नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं फार्मा कुमार। तो दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो मेरे लास्ट वीडियो में ही मुझे मिला था। एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि हमारी जो कंप्रेशन की मशीन्स होती हैं, कुछ मशीन क्लॉकवाइज रोटेशन होती हैं और कुछ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसा कारण कुछ हो सकता है कि मशीन की रोटेशन की वजह से मशीन के डिफेक्ट्स में कुछ सुधार आता है या मशीन की आउटपुट ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा क्या कारण है कि मशीन की रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं, अपने इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपने बहुत सारी मशीन्स देखी होंगी, कुछ क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, कुछ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन मशीन की। इंडियन मशीन मीन एशियन कंट्रीज़ की मशीन। एशियन कंट्रीज़ में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ की मशीन्स, इंडिया भी एशियन कंट्री में आता है, तो वहाँ क्या है कि जो मशीनरी बनती है उसकी एक जनरल गाइडलाइन होती है। जैसे मानो एक एग्जांपल लेते हैं, आप मेडिसिन्स बनाते हो तो आप कई सारी गाइडलाइन को फॉलो करते हो। कोई आईपी है, बीपी है, यूएसपी है, डब्ल्यूएचए, एफडीए, उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही हम टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं हम वैसे वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसी तरीके से क्या होता है दोस्तों कि जो मशीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है उनकी भी एक अपनी गाइडलाइन होती है। अगर मैं बात करूँ एशियन कंट्रीज़ की, उसमें क्या है, जो जनरल गाइडलाइंस होती हैं उसमें जो भी हमारी मशीन बनेगी वो क्लॉक वाइज रोटेशंस की बनती हैं। लेकिन विपरीत, ठीक अपोजिट दैट, अपोजिट इस गाइडलाइन के क्या है यूरोपियन कंट्रीज़ में। अब आपने सुना होगा कि इंडियन मशीन्स और यूरोपियन मशीन्स में क्या डिफरेंस है। तो इंडियन और यूरोपियन मशीन में यही डिफरेंस है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ की मशीन्स आप इंपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मानो आपने फैटे ऑर्डर कर दिया, फैटे है जर्मनी का, तो अब यूरोपियन कंट्री, जर्मनी यूरोपियन कंट्री है। अब जैसे आपको मैं बता दूं कि यूरोप में पूरी हमारी लगभग 44 कंट्रीज़ जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ में आती हैं, नेमली फ्रांस, इटली, जर्मनी और भी बहुत सारी हैं, ये सब यूरोपियन कंट्रीज़ में आती है। और यूरोपियन कंट्री का जनरल जो गाइडलाइन है उसमें लिखा हुआ है कि रोटेशन ऑफ द मशीन शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। मीन आपके प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक जनरल गाइडलाइन है जिसको यूरोपियन कंट्रीज़ फॉलो करती हैं। इसलिए आप कोई भी मशीन यूरोपियन कंट्री से इम्पोर्ट करते हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ही आपको मिलेंगी। और इसका कोई और रीज़न नहीं है। अगर आपको कोई पूछता है इंटरव्यू में या जनरल डिस्कशन में भी, यार कुछ मशीन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूमते हैं, तो आप उनको सिंपल आंसर दे सकते हैं कि जो भी एशियन कंट्रीज़ की मशीन है, जैसे मानो इंडियन मशीन्स है, वो क्लॉकवाइज घूमती हैं और यूरोपियन एंटी क्लॉकवाइज इसलिए घूमती हैं क्योंकि उनकी गाइडलाइन में लिखा है कि जो भी मशीन्स होगी वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होना चाहिए उनका। तो आपकी ये क्वारी को मैंने रिजॉल्व कर दिया। इसके बाद शायद आपके दिमाग में कोई सवाल आए, जैसे मेरे दिमाग में एक सवाल आया था, मैं भी सेटिस्फाई हुआ था कि यार चलो मान लिया यूरोपियन कंट्रीज़ में हम एंटी क्लॉकवाइज जो रूल है उसको फॉलो करते हैं, इसलिए वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है यूरोपियन कंट्री की मेनली। लेकिन मैंने देखा है कुछ इंडियन मशीन्स भी हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, ऐसा क्यों है। अगर इंडिया में सारी मशीनों का रोटेशन क्लॉकवाइज है तो बीच में कुछ ऐसी मशीन्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे दोस्त लोग हैं उनको पता है, वो हैं तो इंडियन मशीन है लेकिन उनकी रोटेशन एंटी क्लॉक है, व्हाई। तो इसका भी एक सिंपल सा आंसर है और इसमें भी कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, एक सिंपल सा आंसर है। वो इसलिए है क्योंकि इंडियन कुछ मैन्युफैक्चरर ऐसा सोचते हैं कि लोग बाहर की मशीन को इंपोर्ट करते हैं, हाई स्पीड की, बी टूलिंग की, बीबी टूलिंग की, वो दे जस्ट कॉपीड देम, वो उनको जस्ट कॉपी करते हैं और कुछ भी नहीं है। अब एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा ये एग्जांपल तो आउट ऑफ सब्जेक्ट ही है। जैसे मानो बॉलीवुड में हमारे एक अभिनेता हैं, वो अपने डायलॉग कुछ ऐसे बोलते हैं, ओए खुश तो तुम बहुत हुए होगे आज, आई
वो ऐसे बोलते हैं। अगर कोई उनकी मिमिक्री करता है तो वो भी ऐसे ही करेगा, ओए कुछ तो बहुत होगी तुम आज, हाय ऐसे ही करेगा। वो कभी भी ऐसे नहीं करेगा कि कुछ तो बहुत होंगे। मीन अगर वो अपना इस लेफ्ट हैंड को उठा के ऐसे करता है, हाय, तो जो मिमिक्री करने वाला वो भी लेफ्ट हैंड ही उठाता है, वो कभी राइट हैंड नहीं उठाता है। समझ रहे हो आप? अगर हमारे पुराने अभिनेता थे देवानंद, वो भी गर्दन ऐसे ऐसे हिलाते थे। अगर कोई मिमिक्री करता वो भी ऐसे करता है, वो अपनी गर्दन को ऐसे नहीं हिलाता। तो सिंपल सा है कि अगर इंडियन कोई कॉपी करता है तो डिट्टो कॉपी करता है, मतलब उसमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहने देता कि ये ओरिजिनल नहीं है। तो मे बी जब वो कॉपी करते हैं, मानो किसी मशीन का उन्होंने कॉपी किया, उसको भी एक इंडियन बेस्ड मशीनरी बनानी है कि वो हाई स्पीड दे, हाई आउटपुट दे, हाई एक्यूरेसी दे, तो जब वो कॉपी करना शुरू करता है तो उसकी रोटेशन को भी कॉपी कर देता है, वो उसको भी एंटी क्लॉक बना देता है। शायद अब आप लोग सेटिस्फाई हो मेरे आंसर से। तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं जाना है, अपना आंसर सीधा सा रखना है कि हमारी मशीन जो होती है वो एंटी क्लॉक इसलिए घूमती हैं कि यूरोपियन कंट्री का रूल है एंटी क्लॉक रोटेशन का। सेकंड थिंग, इंडियन मशीन्स क्यों? क्योंकि वो उन मशीनों की कॉपी होती है, इसलिए वो उनको सेम वैसा बनाते हैं। ये दो सवाल हो गए। और तीसरी बात ये कि अब मैं तीसरा वीडियो किस पे बनाऊं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उस वीडियो को भी आपके साथ शेयर करूँ। आप सवाल पूछिए, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में, ताकि इसके दो फायदे होते हैं। एक तो मेरा जनरल नॉलेज बढ़ता है और आप लोगों का भी। आपको जब लोग आप सवाल पूछते हैं तो मैं भी सीखता हूँ, ऐसा नहीं है मुझे बहुत आता है, मैं भी आप ही लोगों से पूछता हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं हम उनके बारे में सोचते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं, तब हमें पता चलता है, हमारा भी ज्ञान बढ़ता है, आपका भी ज्ञान बढ़ता है। तो इसलिए नमस्ते दोस्तों, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू।